इसका मैं फाइनल लुक दिखा देता हूँ आपको भाई। ये इसका है फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसका फिर टेस्ट करूँगा और वो भी आप लोगों को शेयर करूँगा। यहाँ मैं अपने रिव्यू वगैरह शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो, इतनी जबरदस्त ये जो आपने आइसक्रीम एक ब्रांड खोल दिया है, तो सबसे पहले तो आपको इसकी मुबारकबाद हो मुस्तफा भाई को। मुस्तफा भाई तो मिल नहीं सके, तो आप मिल चुके हैं। अच्छा, मैंने इसका बाइक भी ले लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, डिफरेंट टेस्ट है, फालसा का पूरा टेस्ट आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एक नए व्लॉग के साथ, नए रिव्यू के साथ मैं मौजूद हूँ आज फिर एक नई लोकेशन पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे, एक आइसक्रीम शॉप पे। और ये जो आइसक्रीम शॉप है वो है मशहूर यूट्यूबर मुस्तफ़ा हनीफ की। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने सोचा यहाँ विजिट करते हैं। और सुना है कि यहाँ की जो आइसक्रीम है वो बहुत ज़बरदस्त है, फ्लेवर्स डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। और मैंने सोचा आज यहाँ विजिट करते हैं, आज यहाँ पे आइसक्रीम ट्राई करते हैं और रिव्यूज़ आपसे शेयर करते हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि वीडियो को एंड तक देखना है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। आज एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं ये है आइसक्रीम शॉप का नाम। अच्छा, ये जो है, मैं लोकेशन आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये ब्लॉक 14 लगता है, नूराबाद कॉलोनी है। इसके साथ ही शॉप्स वगैरह बनी हुई है, उसके साथ ही है। तो मैं अंदर चलता हूँ, अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शॉप वगैरह किस तरह से बनी हुई है और आइसक्रीम के जो फ्लेवर्स है वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये इनकी शॉप है और यहाँ पे एंट्रेंस होते ही ये लिखा हुआ, मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और डेकोरेटेड है, आप भी देख सकते हैं। और ये तमाम चीज़ आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे LED वगैरह लगी हुई है, इस पर भी तमाम चीज़ें चल रही हैं, कौन कौन से फ्लेवर्स हैं, उसके अलावा तमाम चीज़ें इस पर ऑलरेडी चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ। और ये इनका स्टाफ है, स्टाफ वगैरह आप देख सकते हैं ये सामने है। ठीक है, नाम क्या है? ठीक है, आपके क्या नाम है? अच्छा, ये इनका स्टाफ। अच्छा, मैं आपको फ्लेवर्स वगैरह दिखा देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और डिफरेंट आइसक्रीम और डिफरेंट वराइटीज वगैरह भी पड़ी हुई। अच्छा, ये जो आपको पैकेट्स में रखे हुए हैं इसको आप क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा ये पॉप्सिकल है, ये आइसक्रीम है। ठीक है, क्या डिफरेंट है इसमें? के सही है, क्या प्राइस है इसकी? ठीक है, अच्छा मुझे फ्लेवर बता देंगे, सबसे पहले कौन सा फ्लेवर रखा हुआ है? वनीला है। और ये सेकंड नंबर पे? ठीक है, आप फ्लेवर देख सकते हैं उसके साथ, सही है। ठीक है, सही है, ठीक है, लोटस है। अच्छा, मैं सुना है कि ये सबसे ज्यादा चलने वाला यही है। ठीक है, इन्होंने फ्लेवर वगैरह भी बता दिए, तो मैं जो आपको बेस्ट जो है लोटस है, उसके अलावा सही है, तो मैं जरूर दोनों इंशाल्लाह ट्राई करूंगा। आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है, फिर अपनी रिव्यूज वगैरह भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे, तो मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। अब मैं अपनी आइसक्रीम, मतलब मैंने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया और दिखा देता हूँ आपको मैं किस तरीके से बन रही है और क्या क्या चीज़ें इसमें, मतलब ये ऐड होगी। ये भाई हमारा ये कप आ गया है। अच्छा, इनका ब्रांड है जो कप है, VIP पॉप्सिकल्स नाम है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप ये देख सकते हैं। और भाई ये इन्होंने भर दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है वो, तो अभी से मतलब काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। मुझे दो चार अभी से मैं स्टार्ट कर दूँ। ये रेडी हो गया है, ठीक है, ये रेडी हो गया भाई। मैं इसका मैं फाइनल लुक दिखा देता हूँ आपको भाई। ये इसका है फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसका फिर टेस्ट करूँगा और वो भी आप लोगों को शेयर करूँगा। अच्छा, मैंने अपना ये कप ले लिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्राई करने लगा हूँ और फिर अपने रिव्यूज़ वगैरह आप लोगों से शेयर करूँगा कि क्या, मतलब कैसा है, किस तरीके का है। मेनली हम रिव्यूज़ वगैरह ही दे रहे होते हैं, तो यहाँ मैं अपने रिव्यूज़ वगैरह शेयर करूँगा। नो डाउट डिफरेंट फ्लेवर है, अलग है, काफी यूनिक है, काफी अच्छा है, मजा आ रहा है।
अच्छा यहाँ पे एक आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ, पूछ रहा हूँ कि आइसक्रीम कैसी है, कौन सा फ्लेवर इन्होंने लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अच्छा अशफाक साहब, ये आप देख सकते हैं नया ब्रांड खुला है, ठीक है, मुस्तफ़ा हनीफ का ये जो है ब्रांड है, आइसक्रीम पार्लर है। तो ये आपने बताइएगा कि कौन सा मतलब आपने फ्लेवर लिया हुआ है और कैसा लगा आपको? ये लोटस का फ्लेवर लिया हुआ है, लोटस, ठीक है, और माशाल्लाह बहुत टेस्ट है। अच्छा टेस्ट है, अच्छा मतलब। और प्राइस वगैरह कैसी लगी? आपने कहीं और भी आइसक्रीम ट्राई की होगी, प्राइस और टेस्ट के हवाले से आप क्या मतलब क्या कितने मार्क्स देना चाहिए? सही है और टेस्ट माशाल्लाह अच्छा है, मतलब ये कह रहे हैं कि प्राइस भी रीजनेबल है और टेस्ट भी अच्छा है, ठीक है, शुक्रिया सर। अच्छा मैंने अपनी आइसक्रीम ले ली है जिसका जो फ्लेवर है वो फालसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा मैंने इसका बाइक भी ले लिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, डिफरेंट टेस्ट है, फालसा का पूरा टेस्ट आ रहा है और फालसा इस स्टाइल में, स्टिक स्टाइल में भी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इस स्टाइल में भी आइसक्रीम आपको मिल रही है। तो ये एक अच्छा मतलब है कि एक इस आइसक्रीम पार्लर में आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डिफरेंट आपको फ्लेवर मिलेंगे और जिसके जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। दो बाइक ले लिया, बहुत अच्छा है और बैकग्राउंड में मैंने देख सकते हैं आप इनका जो आइसक्रीम शॉप है वो भी बहुत जबरदस्त है, पूरी डेकोरेटेड शॉप है, बहुत जबरदस्त हुई हुई है। अब ये खत्म करके आप लोगों से आखिर में अपने रिव्यू शेयर करेंगे। अच्छा मैंने और लोगों से भी बात की, यहाँ पे बासित भाई मौजूद हैं तो बासित भाई से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई, बासित भाई क्या हाल है? अच्छा सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो, इतनी जबरदस्त ये जो आपने आइसक्रीम एक ब्रांड खोल दिया है, तो सबसे पहले तो आपको इसकी मुबारकबाद हो मुस्तफा भाई को, मुस्तफा भाई को मिल नहीं सके तो आप मिल चुके हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे आपका जो फ्लेवर था लोटस और ये फालसा वो ट्राई किया, यकीन माने डिफरेंट था, लोटस बिल्कुल अलग था, बिल्कुल डिफरेंट था और फालसा का भी मतलब ये कि आपने एक अलग इंट्रोड्यूस करवाया, तो अलग ही है अगर बैक इन 90s के जी जी 90s के दौर में स्कूल के बाद इस टाइप की पॉपसिकल्स मिलती थी जिसका खत्म हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आपने उस एरा को रिवाइव करने की कोशिश की है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों को पसंद आ रही है, सही है, जितने भी लोग आते हैं कभी हमारी पुरानी यादें जाना वो खाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा और दूसरी चीज है, दूसरी चीज मुझे ये बताइएगा कि अभी दिन का टाइम है, दिन के टाइम भी मैं कस्टमर्स की जो तादाद देख रहा हूँ ना वो बहुत ज्यादा है, तो मतलब आपको जो रिस्पांस मिला वो आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे ही रिस्पांस मिलेगा? एक्सपेक्टेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुस्तफा का पीछे नाम है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल लाजमी थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितने लोग आ गए माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात देखें, एक दफा बंदा लाना कोई मसला नहीं, अगली दफा वो हमारे प्रोडक्ट की वजह से आना तो ये बड़ी बात, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो लोग आ रहे हैं वही डेली बेसिस पे वही लोग आ रहे हैं जिन्होंने पहले दिन नहीं, ठीक है, मतलब रिपीटेड कस्टमर आ रहे हैं आपके पास। अच्छा दूसरी चीज मैंने यहाँ पे एक चीज देखी, ये प्राइस जो है ना वो रीजनेबल है, प्राइस तो इतनी ज्यादा नहीं है, तो कुछ ब्रांड में ऐसा होता है कि प्राइस ज्यादा होती है, अगर वो ब्रांड है तो प्राइस ज्यादा है, तो ये प्राइस आप लोगों ने खुद ये माइंड में रख के कहा था कि यार इस तरीके से प्राइस होनी चाहिए? ठीक है, बिल्कुल ऐसी, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आखिर मैं शेयर करना चाहूंगा मैं अपने रिव्यूज, मैंने यहाँ विजिट किया, मैंने आपको यहाँ लोकेशन भी बताई थी, हाँ जो लोकेशन है ब्लॉक 14 में मौजूद है ये, और मैंने आपको पूरा आइसक्रीम पार्लर वगैरह दिखाया। दो फ्लेवर मैंने यहाँ ट्राई किए थे, एक था लोटस एक था फालसा, दोनों बहुत बेहतरीन थे, उसका टेस्ट यूनिक था, डिफरेंट था, तो दोनों मैंने बताया, और जो इनकी जो प्राइस है वो भी रीजनेबल है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि लोगों को यहाँ आना चाहिए, यहाँ आए टेस्ट करें, डिफरेंट फ्लेवर थे इनके पास तो यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर ट्राई करें और ये कि यहाँ पर आके विजिट कर सकते, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ आना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।